नमस्ते, आज मेरे साथ तेन सिंह सुंडू साहब हैं। ये टिबेटन एक्टिविस्ट हैं और सुंडू मेरे ख्याल में कुछ भाग्यशाली लोगों में हैं जिनके दो मदरलैंड हैं। ये बाई बर्थ हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान में पैदा हुए तो हिंदुस्तानी हैं, लेकिन ये मूल रूप से तिब्बती हैं और जब रोज़ सुबह जगते हैं तो अपने उस तिब्बत की मातृभूमि को ज़रूर याद करते हैं कि वो सुबह कभी तो आएगी जिस दिन ये वहाँ जाके रहेंगे। हम सब लोगों की शुभकामनाएं भी हैं कि वो इनका सपना ज़रूर पूरा हो। उसी सिलसिले में सुंडू साहब एक इन्होंने पिछले साल ही करीब 8 महीना पहले एक पद यात्रा की थी धर्मशाला से दिल्ली तक अवेयरनेस पहुँचाने बनाने के लिए, और अभी ये एक जो हिज होली हाइनेस दलाई लामा साहब हैं उनकी एक पिक्चर है जिसकी कुछ इन्होंने इनिशियली उसमें रिसर्च वर्क भी किया है, उस पिक्चर को बनाने में बहुत क्लोजली रहे, एपिक टू उस पिक्चर वर्क को बनाया था, बहुत अच्छी बनी है। उसको ये करीब 60-70 जगह स्क्रीन कर चुके हैं, खास करके बॉर्डर स्टेट्स में, जो हिंदुस्तान के वो बॉर्डर जिनका चाइना से जो मिलते हैं, और अब जो चाइना जो तिब्बत हमारा बॉर्डर था, क्योंकि ये एक बात को ये बार बार कहते हैं कि वो बॉर्डर आपका तिब्बत था, और ये सही बात भी है क्योंकि चाइना से हमारा बॉर्डर शायद अगर मिलता है तो बहुत छोटे जगह पे, वो अरुणाचल के और आगे जब बढ़ते हैं तो वो शायद चाइना का एक थोड़ा हिस्सा अपने से मिलता है, नहीं तो सारा तिब्बत है कि चाइना कहीं कहीं मिलता है, कहीं चाइना से कहीं बॉर्डर नहीं है इंडिया, और अरुणाचल के आगे पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। अच्छा, अरुणाचल के आगे भी नहीं मिलता है। अच्छा, तो वो क्योंकि ये भी एक न्यूज़ है कि हमारा और चाइना का कोई बॉर्डर है ही नहीं, हमारा जो भी बॉर्डर है वो हमारा और तिब्बत का है, जिसकी हमारी और तिब्बत की साझी विरासत रही है। दुनिया में आज जब सब जगह बौद्धिज्म एक तरह से थोड़ा उतने वो नहीं है, तो ये लोग ऐसे हैं जो आज भी बुद्ध को जिंदा रखे हैं और रोज उनकी पूजा अर्चना करते हैं। मैं सुनूं जी, सबसे पहले आपसे इसी बात सवाल पूछ रहा हूँ कि ये आपकी जो यात्रा है इसके बारे में कुछ बताएं जो आप इस पिक्चर की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। जी, ये यात्रा मैंने लद्दाख से शुरू किया, लद्दाख से अगस्त की 17 तारीख, और तब से मैं जगह जगह गया हूँ बॉर्डर क्षेत्र के गांव में, कहीं छोटे स्कूलों में, आम पब्लिक के बीच में ये फिल्म दिखाया, परम पावन दलाई लामा जी की जीवन कहानी है और ये तिब्बत की भी कहानी है, किस तरीके से परम पावन दलाई लामा जी इतने कम उम्र में जब अपने देश तिब्बत को संभाल रहे थे तो चीन ने कब्जा किया और इतने मुश्किल परिस्थिति से परम पावन जी अपना देश छोड़ के भारत आना पड़ा, ये पूरा करीब 20 साल की तिब्बत की कहानी जो है, किस तरीके से तिब्बत की आज़ादी चीन ने हड़प लिया और आज भी चीन तिब्बत में बैठ के गुलाम करके आज भारत के ऊपर बुरी नज़र से देख रहे हैं। ये एक है तिब्बत की आज़ादी की कहानी और भारत की ऊपर चीन से बढ़ती खतरे के बारे में, इसके बारे में मैं लोगों को जानकारी देता हूँ, जागरूक करता हूँ और इस मिशन पे निकला हूँ मैं लद्दाख से। तो लद्दाख, लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला होके देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, तो हल्द्वानी, देन कुमाऊँ रीजन की बॉर्डर क्षेत्र में दारचूला, मुंशियारी, पिथौरागढ़, अल्मोरा, नैनीताल, ऐसे होके, और अब 3 स्टेट्स कवर कर चुका और आज मैं यहाँ लखनऊ आया हूँ और यहाँ से वाराणसी, पटना, सिलीगुड़ी होके कालिम्पोंग, दार्जिलिंग से मैं सिक्किम जाऊँगा, सिक्किम में भी बॉर्डर क्षेत्र में जाऊँगा और अंतिम जो है वो मैं अरुणाचल की दौरे के उसके बाद में ख़त्म करूँगा। जी, मैं इसको इसलिए भी आप लोगों को थोड़ा एक और परिचय बता दूँ कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उसके बाद हम लोगों ने एक सेना बनाई थी, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, पुलिस था वो, सेना नहीं थी, ये ध्यान रखिएगा, उसका नाम ही इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस था। पुलिस हरदम वहाँ रहती है जहाँ इंटरनल मामला रहता है, क्योंकि कोई विदेशी आक्रमण का खतरा होता है तो वहाँ सेना होती है। हमने तिब्बत के बॉर्डर को अपने से वो करने के लिए हमने वहाँ पुलिस लगाई थी, उसका नाम ही इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस था, जो आज भी मौजूद है और आज भी पूरी ये जो तिब्बत की सीमा है जिसको चीन ने तिब्बत के ऊपर कब्जा कर रखा है, वो पूरी सीमा आज भी इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस द्वारा ही उसकी देखभाल होती है। बिल्कुल, मैं इसमें एक बात और आपसे जानना चाहूँगा कि ये हम उस पिक्चर में बहुत साफ साफ आता है कि चीन ने कैसे तिब्बत को हड़पा, मैं थोड़ा हिंदी का अच्छा वर्ड नहीं है,
हाउ उन्होंने हड़पा, मतलब उन्होंने जबरदस्ती कब्जा कैसे किया। और ये लोग धार्मिक लोग हैं, ये लोग अपने जो धार्मिक लीडर है उसी की को मानते हैं। और एक फिल्म में एक शब्द आता है जब दलाई लामा जी का, ये होता है कि भाई वो अपने किले में हैं और चारों तरफ से चीन के सेना ने उनको घेर लिया है, तो आप बहुत से लोग कहते हैं कि अब आप यहाँ से जाइए। और उस समय दलाई लामा जी को वो लोग कहते हैं कि मेरे हमारे लिए तिब्बत और दलाई लामा एक है। और आज आपको क्या लगता है कि दलाई लामा जी जब यहाँ आए हैं तो आपका तिब्बत आंदोलन कम से कम जिंदा ही नहीं रहा है? आज सारे पूरी दुनिया में उसकी बात, आज चर्चा शुरू होगी, उस पर भी कुछ बताएं। क्योंकि जी मूल रूप से परम पावन दलाई लामा जी खुद भी ऐसे मानते हैं और सब तिब्बती मानते हैं कि हमारा संघर्ष मूल रूप से जारी है तिब्बत के अंदर, चीन के कब्जे के नीचे। हमारे लोगों ने कभी एक मौका भी नहीं छोड़ा, उन्होंने ये संघर्ष जो है वो जारी रखा है। आज भी 155 लोगों ने अपने ऊपर तेल डाल के, आग लगा के, आत्मदाह करके अपने देश की आज़ादी की मांग किया और परम पावन दलाई लामा जी वापस तिब्बत बुलाने के, ये एक ऐसा मुहिम अभी भी चल रहा है तिब्बत में। तो ये मेन मुहिम चल रहे हैं और परम पावन दलाई लामा जी भारत में रह के पूरी दुनिया में घूमे और पूरी दुनिया में तिब्बत के बारे में ये जागरूकता किया। और ये एक बहुत बहुत बड़ा चमत्कार के काम है क्योंकि इतने ज़्यादा पॉपुलैरिटी, इतने ज़्यादा पूरी दुनिया में जानकारी तिब्बत के बारे में शायद कभी भी नहीं हुए इतिहास में। और ये हमारा ताकत है क्योंकि जिस तरीके से महात्मा गांधी जी कहते थे कि ये एक सोल फोर्स है, तिब्बत का ताकत जो है वो सोल फोर्स है, वो मन की ताकत है, आत्मा की ताकत है जी, आत्मबल, आत्मबल है उसमें, पैसे की अहंकार नहीं है, पैसे की लालच भी नहीं है और बंदूकों की अहंकार वो भी नहीं है। तो ये एक बिल्कुल नया ताकत है जो तिब्बत आज भी बहुत मानते हैं और ये उपदेश जो है हमने भारत से सीखे हैं, करुणा की उपदेश जो बुद्ध धर्म के मूल रूप का स्वाभिमान भी वही है। तो हम इसी रूप से हमारा संघर्ष आगे जारी है जी। मैं एक चीज़ और आपसे ज़रा समझ लूँ क्योंकि ये गांधी का देश है और हम सब लोग जब बड़े हो रहे थे, जब छोटे क्लास में थे, सेकंड थर्ड फोर्थ, तो दलाई लामा जी हम लोगों को लगता था कि हमारे ही कोई लीडर है, हमारे ही गुरु। ये तो जब बड़े हुए और जब यूनिवर्सिटी में पहुंचे तो पता लगा कि नहीं नहीं तिब्बत के ये लीडर हैं। शुरू में हम लोगों को लगता था ये हमारे ही कोई लीडर है, जैसे गांधी जी हैं जैसे वो हैं वैसे ही दलाई लामा जी भी हैं। एक बात आपकी ज़रा और समझना चाहूँगा कि आज दुनिया में अगर महात्मा गांधी के जो भी उन्होंने सिखाया था, उनके पद जो भी उन्होंने बताया था, अगर उस पर कोई चल रहा है तो आपका आंदोलन 100% अहिंसा है, अहिंसक है, बड़े वॉरियर हैं। तिब्बत का उनकी जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ अगर वो वॉरियर ना हो तो उनका सर्वाइवल मुश्किल है, लेकिन इन्होंने अपने पूरे आंदोलन को अहिंसक रखा है। और मेरे ख्याल में गांधी के बाद ये दूसरा एक दुनिया के सामने वो है जहाँ पे ये आंदोलन अहिंसक है जी। ये अहिंसक की ताकत ये है, अक्सर लोग अहिंसा की ताकत को बहुत कम मानते हैं क्योंकि उसमें ड्रामेटिक एक्शंस नहीं होते हैं, बंदूक लेके जंगल में छिपना वगैरह नहीं होते हैं, लेकिन लोग इसको अभी भी समझने में बहुत वक्त लगता है और उसमें एक इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल ताकत भी चाहिए क्योंकि इसमें ये ऐसा ताकत है कि ये मारना तो दूर की बात है, मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन उससे बड़ी कि पूरी ज़िंदगी जी के संघर्ष को आगे लेके जाना और दूसरों को दुश्मन नहीं मानते हैं, दूसरों को भी करुणा की सोच से, लेकिन उसको छोड़ते भी नहीं हैं, उसको आगे लेके जाते हैं। और जिस तरीके से उसके उनके मन में अहंकार, लालच और खुन्नस जो है उसको मिटाने की कोशिश, तो उसको भी जिस तरीके से अपने मन में ये मान लिया कि हमारे ज़िंदगी में खुशहाली, हमारे मन में शांति चाहिए, तो अपने अहंकार, क्रोध और लालच को मिटाना है, वो उस मूल रूप को हम दुश्मन मानते हैं। ये ऐसा ताकत जो है ये हमेशा की ताकत है और सबको यही चाहिए, लेकिन
लोग शॉर्ट कट के इसी को छोड़ के बंदूक की ताकत या पैसे की ताकत को ज्यादा मानते हैं। ये मुझे भी लगता है कि बहुत उसके मायने तभी नहीं है, उसका कोई ताकत नहीं है। जी जी, मैं एक चीज और आप दर्शकों को बता दूं कि जब संधू जी पद यात्रा कर रहे थे तो ये एक हाथ में भारत का झंडा और एक हाथ में तिब्बत का झंडा लेके चल रहे थे। मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, जो इनका बैग है, जो पीठ पे कान टांग के पिट्ठू बोलते हैं या बैकपैक बोलते हैं, उसमें भारत का झंडा ऊपर है, फिर तिब्बत का झंडा है। और ये देख के अच्छा लगता है कि दो राष्ट्रों की लड़ाई, और ये कहते हैं कि ये केवल तिब्बत लोगों को जगाने का काम नहीं कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान में भी ये जागरण फैला रहे हैं कि आप समझिए कि आप और हम एक थे, हम लोगों की आपसी बॉर्डर थे, हम लोग आ जा सकते थे, चीन ने उसको हथिया लिया है, और अब चीन धीरे धीरे उसकी बुरी नज़र हिंदुस्तान के ऊपर भी पड़ रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जी तो जी, बताइए जी। मैं अभी इस बार लद्दाख, लाहौल, स्पीति, किन्नौर, इन्हीं क्षेत्रों में अभी गया हूँ, और आगे सिक्किम और अरुणाचल भी जाऊँगा। वहाँ ऊंची ऊंची पहाड़ में, खास करके बिल्कुल बॉर्डर के क्षेत्र में, ऐसे लोगों को मिला जो आज 70 और 80 साल की उम्र में है। उन्होंने ये बताया कि जब वो बचपन में छोटे होते थे, उनके अपने पिताजी माताजी के साथ तिब्बत गए थे, ऐसा खुला बॉर्डर था, तो ऐसा एक भाईचारे का रिश्ता था तिब्बत और भारत के बीच में, ये फिर से कायम करना है और चीन अपने देश में वापस लौटाना है, ये मेरा मूल मकसद है। जी नहीं, मैं एक चीज़ इससे रिलेटेड आप लोगों के साथ और शेयर कर लूँ, और वो इसलिए मैं आप लोगों को, जिससे आप ये समझ सकें कि ये कितनी मुश्किल वाली चीज़ है। चीन आज मुझे हम लोगों को आंख दिखाता है। चीन फाइव फिंगर की एक मौत से तुम की थ्योरी है, वो मैं संधू साहब से कहूँगा कि वो जो हिंदुस्तान की तरफ और उसकी जो खराब नज़रें हैं, वो फाइव फिंगर्स थ्योरी जरा मौत से तुम की बता दें। जी, माओ ज़ेडुंग जब उनकी सेना पहले तिब्बत आए थे, तो तिब्बती लोगों को ऐसे बोले थे कि तिब्बत जो है वो उनकी हथेली है, और वो पूरा कब्जा करने के बाद उनके पांच फिंगर्स उंगलियां जो है वो से हड़प लेना है उनको, है ना। तो एक कहा कि लद्दाख है, और दूसरे नेपाल है, और सिक्किम है, और भूटान है, और अरुणाचल प्रदेश। ये उन्होंने पहले से बोल रखा है कि ये पांच उंगलियां अपने आप आ जाएगा जब तिब्बत उनके हाथ में आ गए। अब तिब्बत तो उनके हाथ में आ ही गए, भले तिब्बत में संघर्ष अभी भी जारी है, लेकिन नेपाल में बिना घुसे नेपाल की लोकतंत्र को तोड़ मोड़ करके वहाँ के मेन पॉलिटिकल लीडर्स को खरीद के नेपाल में करीब करीब उनकी मनमानी चल रहे हैं। अब वो कोशिश कर रहे हैं भूटान, सिक्किम, अरुणाचल, लद्दाख ऊपर। तो हमें बहुत ध्यान करके देखना है। चीन ने भारत को बार बार विश्वासघाती किया है, और अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि भारत सरकार और लोग अभी भी चीन से कुछ पैसे आएंगे, इन्वेस्टमेंट आएंगे करके ऐसा अपेक्षा क्यों रखते हैं। बार बार हम मार खाते जा रहे हैं, इसीलिए जब चीन की बात आ जाते हैं, मेरे ऊपर दो ड्यूटी लगता है एज अ टिबेटन और एक भारतीय होने के नाते, कि डबल ड्यूटी लगता है, तिब्बत को बचाना है और भारत की सुरक्षा के बारे में भी काम करना है। और इसीलिए मैं जगह जगह जाके भारतीय वासियों को ये जागरूक कर रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि बात बार के चीन एक विश्वासघात देश है, उनको वहाँ एक डिक्टेटरशिप बना रखा है शी जिनपिंग को, और उसके ऊपर कभी भी विश्वास ना करना। और मैंने इस संदर्भ में आपको ये बात बताई थी, क्योंकि जैसे आज लद्दाख में और अरुणाचल में या सिक्किम में हम जिस तरह की समस्याएं देख रहे हैं, सुनू जी, जब 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 उनकी तिब्बत पे नजर गई थी, तो शुरू में उन्होंने इसी तरह के काम करने शुरू किए थे कि पहले धीरे से आए, फिर आए, फिर आए, फिर आए, और फिर आके बैठ गए। जी, वो 8-10-15 साल लगे थे उसको ये। जी जी जी, उसी तरह की कुछ हरकत वो लद्दाख में और अरुणाचल में और सिक्किम में करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मुझे ये जो ट्रेंड जो है बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। जब वो पहले तिब्बत आए थे, हमारा माँ बाप भाई बहनें जो पहले तिब्बत से आए थे, उनका ये कहना था कि जब चीन पहली बार तिब्बत में घुस के आ रहे थे, उन्होंने वहाँ बंदूकें लेके नहीं आए थे, वहाँ उन्होंने अपना सेना भेजे, और सेना को फार्मर्स के बीच में और पब्लिक के बीच में डाले, उनको उनकी मदद कराया, हार्वेस्टिंग किया, और उनके खेतों में हल चलाने के ऐसे भी नाटक किए थे। लेकिन तिब्बती लोग समझे नहीं थे
कि इतने सारे लोग यहाँ आके हमको मदद क्यों कर रहे हैं, वो नहीं, ये नहीं समझे। उन्होंने समझा कि ऐसे हमको मदद कर रहे हैं, तो उन्होंने जो जो गरीब लोगों है उनको उकसाया और बोले कि आपके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं दलाई लामा और ये पूरा बुद्धिस्ट लोग, बुद्धिस्ट खास करके बुद्धिस्ट लामा लामा जो है, तो ऐसे उकसाया और इस तरीके से उन्होंने पूरी तिब्बत को कब्जा किया। और बाद में आए बंदूकें। अब आज भारत की पूरी सीमा क्षेत्र में वहाँ से इस तरफ ये मैसेज दिया जा रहा है कि वहाँ की सड़कें ठीक हैं, वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, पानी, सड़कें, व्यवस्था पूरा ठीक है, ऐसे इन्हीं क्षेत्रों में ला सकता है, ऐसे एक लालच दिखाए जा रहे हैं। और ये दिखने में बहुत सुंदर है क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है और चीन के हिसाब से कम है, लेकिन हमारे लोग, हमारे बॉर्डर क्षेत्र में हमारे लोग ये समझना चाहिए कि वो एक एक अथॉरिटेरियन डिक्टेटरशिप है, यहाँ हमारा लोकतंत्र है और आज़ादी है, इसकी ताकत जो है हमें कभी भूलना नहीं चाहिए और उसको, उसकी असली पहचान जो है पता होना चाहिए। सुंडू साहब से जब बात करता हूँ तो हरदम एक बात पे और बात आ जाती है, अंग्रेज़ों की गुलामी, हम लोगों ने भी करीब 150-200 साल की गुलामी रही और उसके बाद हमने उसको हटा फेंका था। सुंडू साहब, आपको क्या लगता है कि 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल में हम सब लोग देखना चाहेंगे कि तिब्बत में वो सुबह हो जिसमें आज़ाद तिब्बत हो? और हम लोगों की तो कामना यह है कि जो पवन पावन दलाई लामा जी हैं, वो जैसा उन्होंने वहाँ आते समय एक बार सोचा था कि मैं वापस एक आज़ाद तिब्बत में फिर आऊँगा, वो शायद उनके लाइफ टाइम में पूरा हो जाए। आपको लगता है लाइफ टाइम में पूरा हो सकता है? एक दिन हम सुबह उठेंगे तो हमको एक न्यूज़ सुनने को मिलेगा कि चीन के कहीं क्षेत्र में एक प्रोटेस्ट हुआ है, और वो हमको लग रहा है कि ये अभी हुआ है, जबको हमको पता चलेगा ये हो के करीब करीब कोई 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 महीना से चल रहे थे, हमको पता नहीं थे, अब ये इतना बढ़ गए हैं कि पुलिस और लोगों के बीच बीच में ये झगड़ा हो रहे हैं, और बाद में ये पता चलेगा कि पुलिस खुद लोगों के हित में आके अब सेना के खिलाफ हो गए हैं, और हमें एक दिन ये भी पता चलेगा कि वहाँ के नेता भाग के चले गए हैं। इस तरह से एक ऐसा बड़ा सा भूकंप होने वाला है चीन में, और हम उनको देखते देखते चीन की तख्ता पलट जाएगा जिस तरीके से सोवियत संघ में हुआ है। तो हमको क्योंकि हम चीन से हमेशा इन्वेस्टमेंट की अपेक्षा रखता है, तो हम हमेशा चीन की पैसे और उनकी बंदूकें दिख रहे हैं, उनके अंदर की वो खोखलापन जो हमें नहीं दिख रहा है क्योंकि आपने स्टडी नहीं किया। हम चीन को फॉलो कर रहे हैं इतने सालों से, और मैं तो इसी संघर्ष में, मेरा अभी 27 साल हो गए इसमें लग के, और मुझे और हमारा डायरेक्ट संपर्क रहता है चीन के भीतर, हांगकांग में, ताइवान में, ईस्ट तुर्किस्तान में, सदर्न मंगोलिया, इन सब जो है चीन के गुलाम है आज, और सब लोग इकट्ठा होकर चीन के खिलाफ लड़ रहे हैं। जी थैंक, बहुत बहुत धन्यवाद सुंडू साहब का कार्यक्रम में आने के लिए, और हम सब लोगों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपका ये जो काम आप कर रहे हैं, क्योंकि आप केवल तिब्बत की बात नहीं कर रहे हैं, आप भारत की सुरक्षा की भी बात कर रहे हैं। ईश्वर करे कि आपकी ये जो यात्रा है और सफल हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच आपका ये संदेश पहुंचे। और वन लास्ट वर्ड, कोई भी आज के बाद चाइना बॉर्डर नहीं कहेंगे, क्योंकि भारत की कोई चाइना बॉर्डर नहीं है, भारत के कोई भी सीमा हिमालय में है वो तिब्बत बॉर्डर है, और आज से तिब्बत बॉर्डर कह दीजिएगा। जी मेरे ख्याल में जो ये बात कह रहे हैं वो बड़ी है, हो सकता है शुरू में आदत ना पड़े, लेकिन कोशिश करेंगे तो तिब्बत बॉर्डर की बात हो जाएगी, और यहाँ से निकली हुई बात अगर किसी तरह से चीन में बैठे हुए उन लोगों को जो एक कितने ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, कितने लोगों की जमीन कब्जा किए हुए हैं, उनके कान तक ज़रूर पहुँचेगी। धन्यवाद।